العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاتل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اللهم صل على فکر مسلسل ہے محکم و متشابہ کے عنوان پر یہ ہماری تیسری تقریر اور کل جن امور پر گفتگو ہو رہی تھی اور جہاں وضاحتیں دی جا رہی تھیں وہ یقیناً پیش نظر ہیں اور آپ نے اس سلسلے کو بھی محفوظ کر لیا ہوگا. آج گفتگو تو وہی ہے مگر اس فکر سے گفتگو کو شروع ہونا چاہیے کہ ہر انسان کا ایک رخ حیات ہوتا ہے, ایک اس کی سمت ہے, ایک اس کے توجہات کا مرکز ہے. اسی سمت دیکھتا ہے, اسی سمت سفر کرتا ہے اور اسی مرکز توجہ کی خاطر اپنی بہت سی سمجھی ہوئی باتوں کو بھول جانا چاہتا ہے کہ کہیں وہ مرکز توجہ نہ ہٹ جائے. قرآن نے بہت ہی مختصر لفظوں میں وضاحت کی, وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے, ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے, ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے اور وہ اسی جہت کی طرف متوجہ چلا جا رہا ہے, اسی سمت کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. یہ ایک عجیب گفتگو ہے, اس کو اگر ذرا سا آپ توجہ سے سنیں تو میرے آنے والے مسائل آسان ہو جائیں گے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات,
फिक्र में वो एक खास मकाम रखता है, और उस मरकजी फिक्र पर सारे अफकार को मुंतबिक करना चाहता। रुख हयात एक है, उस रुख की तरफ दूसरे तमाम मसाइल को फेर देना चाहता है, यानी वो अपनी मरकज फिक्र के ताबे रखना चाहता है, उसके तमाम अफकार को, तमाम उसकी तख्तील को, और जो कुछ के वो हासिल कर रहा है उस तमाम हासिल शुदा सरमाए को उस मरकज फिक्र के ताबे रखना चाहता है। किसी का मरकज फिक्र तिजारत है, किसी के लिए मरकज फिक्र सनत है, किसी के लिए मरकज फिक्र मकान है, किसी के लिए मरकज फिक्र औलाद है, किसी के लिए मरकज फिक्र नाम है, किसी के लिए मरकज फिक्र आने वाले जमाने में इम्तेदाद में वो अपने औलाद को देखना चाहता है और अपने घर को देखना चाहता है, और किसी के लिए मरकज फिक्र आखिरत है, किसी के लिए मरकज फिक्र मर्जी मौला है, किसी के लिए मरकज फिक्र दोस्ती है, मोहब्बत है, और इसी जज्बे के साथ वो तमाम दूसरे अफकार को उस एक फिक्र में फना कर देता है कि सारे तवज्जुहात सारे मसाई उस एक फिक्र के लिए सर्फ हो जाती हैं। और ये अमली जायजा है आपकी हमारी जिंदगी का, ये अमली जायजा। हर एक के लिए एक रुख़े हयात है, उसी तरफ वो मुतवज्जे है। और तवज्जो का क्या असर है? तवज्जो का असर क्या है? नफ्सियात में तवज्जो का असर यह है कि अगर किसी तरफ फिक्र आपकी हो, कहीं आप सोच रहे हैं, आंखें खुली हुई हो और आप कुछ सोच रहे हैं, और कहीं नजर जम के रह गई, कोई आया गया, किसी ने आवाज दी, किसी ने आपका नाम लिया, मगर आप मुतवज्जे नहीं होते, इसलिए कि तवज्जो कहीं है। तवज्जो कहीं है, कोई पुकार रहा है, कोई आकर चले गया, सामने से गया, आंखें खुली हैं, उसने कहा भाई क्या कर रहे थे, मैं तो आपके सामने से गुजर रहा था, कहा मैंने तो नहीं देखा, कहा तुम सो नहीं रहे थे, तुम जाग रहे थे, कहा हाँ मैं जाग रहा, आंखें खुली हुई थी, आंख का काम देखना है, मगर जब तवज्जो एक तरफ हो, तवज्जो किसी एक तरफ हो, तो देखने वाली आंख नहीं देखती, सुनने वाले कान नहीं, महसूस करने वाले आजा व जवारे महसूस नहीं करते, इसलिए कि आपकी तवज्जो का कोई मरकज बन गया है और आप उसी फिक्र में गलता है। अब अगर हर एक का कोई ना कोई रुख हयात है और उसी फिक्र में वो गलता है, तब हजार पढ़ाइए, हजार सुनाइए, हजार आवाज दीजिए, हजार झिझोड़िए, सामने से आइए जाइए, तकरीरें कीजिए, बहुत से मबाहिस कीजिए, इबरतों को बतलाइए, तवज्जो का मरकज तो कुछ और है। आपने मेरी बात को समझने की कोशिश की, यही वजह है कि बहुत से औकात इबरतें, बसीरतें, नसीहतें, हिदायतें बेकार हो जाती हैं, उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए कि उसकी तवज्जो का मरकज तो कुछ और है। आपने देखा खुली हुई आंख का काम यह है कि वो हर मंजर को महफूज करे और ये देखे कि कौन आया कौन गया, निगाह के सामने क्या है। लेकिन क्या यह आपका तजुर्बा नहीं है? क्या आपका यह तजुर्बा नहीं है कि अगर किसी फिक्र में आप डूब जाए और कोई आके निकल जाए तो खबर ना हो? इसी तरह से जब किसी का कोई रुख हयात मुअय्यन हो जाता है और दिन रात वो उसी फिक्र में डूबा हुआ होता है, तो दुनिया के और मुख्तलिफ अफकार और हिदायत
बेकार हो जाते हैं, बेकार। इसलिए यह दीन का लाजिमा है कि ऐसा एक मरकज फिक्र तलाश करके इंसान को पहले ही से अता कर दे कि उसी तरफ इंसान मुतवज्जे रहे। अब अकुल के नाम से अता करें, इल्म के नाम से अता करें, मुताबियत के नाम से अता करें, इताअत के नाम से अता करें, मवद्दत के नाम से अता करें, मारिफत के नाम से अता करें। यह दीन का काम है कि मरकज हयात चुन ले। ये गुफ्तगू जरा सी शायद सत्य फिक्र से बुलंद हो रही है, मगर उसको महफूज करना चाहिए। यह ऐन लुत्फ इलाही है कि इंसान की इन आदतों का इल्म चूंकि ज़ात वाजिब को पहले ही से है, उसने ये जरूरी जाना कि एक मरकज मवद्दत हो। अब उस मरकज मवद्दत का नाम अक्ल हो, इल्म हो, इताअत हो, मुताबियत हो, जो कुछ भी हो कोई वहां हो, वरना इंसान अक्ल की हद तक ताकुल कर लेगा, इल्म की हद तक पढ़ लिख के समझ लेगा, मगर जहां से अमल शुरू होता है वहां से इरादे पर गलबा तो मरकज तवज्जो पाता है। ये कल की गुफ्तगू थी, हम मुसलसल हो गए। आपके इरादे पे जो कंट्रोल है वो ना अक्ल का कंट्रोल है ना इल्म का कंट्रोल है। आपके इरादे पे तो कंट्रोल जा रहा है आपके तवज्जोहात का, जुदा तवज्जो हो, मुआशरे की तरफ तवज्जो हो तो वो इरादा है, घर की तरफ तवज्जो हो तो वो इरादा है, औलाद की तरफ तवज्जो हो तो वहीं से इरादा आगे बढ़ता है, जमीनात की तरफ तवज्जो हो तो वहीं से इरादा आगे बढ़ता है, तिजारतों की तरफ तवज्जो हो तो वहीं से इरादा फरोग पाता है। जैसी तवज्जो वहीं से इरादा, और जहां इरादा वहां अमल, अमल इरादे का ताबे है, अमल इरादे का ताबे, और इरादा तखलीक पाता है, तखलीक पाता है मुसलसल असर और तासुर से, असर और तासुर से। अच्छी दोस्ती, अच्छा घर, अच्छी तरबियत, अच्छा मुआशरा, अच्छा उस्ताद, अच्छी हुकूमत, ये सब इरादे की तखलीक के अनासुर हैं, एलिमेंट्स हैं, इरादे के एलिमेंट्स हैं, उसके अनासर। यह गुफ्तगू इसलिए की है कि जरा सा मैं कल से मुसलसल हो जाऊं और आपकी फिक्र को आज बहुत ज्यादा सतह से बुलंद करने की कोशिश करूं। नतीजा क्या हुआ कि मुसलसल जब अक्ल पे गुफ्तगू हुई और कुरान में आयत पर आयत आई, कोई 90 से ज्यादा मकामात पे हुक्म आया, अफला ताकिलून, अकुल से काम नहीं लोगे, इन नफी जाले का लायात इन लकौमी याकिलून, इसमें आयतें उस कौम के लिए जो अकल से काम ले। तो चूंकि तवज्जो किसी और मुआशरे की तरफ थी, जब अकल का जिक्र आया तो दुनिया ने कहा क्या करोगे अकल को लेके, दुनिया ने कहा क्या करोगे अकल को लेके, हमको तो इश्क चाहिए, क्या करोगे अकल को लेके, हमको तो इश्क चाहिए। ये गुफ्तगू कभी हुई, मगर चूंकि सिलसिले से आगे बढ़ रहा हूं इसलिए याद रखने को नहीं। जब अकल पर जोर दिया कुरान का हवाला देके, तो जिस मुआशरे में उलझे हुए थे उस मुआशरे ने तरबियत की और कहा हमको तो इश्क चाहिए, इसलिए कि अकल हुक्म लगाती है हुस्नो कुबो पर, अच्छे और बुरे पे अकल हुक्म लगाती है, खैर और शर पे हुक्म लगाती है, नेक और बद पे हुक्म लगाती है, अकल बतलाती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हमको तो इश्क चाहिए इसलिए कि मसलहत वक्त का तकाजा यह है कि किसी अच्छे को अच्छा किसी बुरे को बुरा न कहो, सब ठीक है। अरे अकल की जब गुफ्तगु आई तो उसका बदल दुनिया ने ढूंढा इश्क, जब इल्म की गुफ्तगु आई कि कलाम मजीद में 700 से ज्यादा मकामात पे इल्म पर गुफ्तगु की गई,
तो कहा मगर इल्म क्या काम का, इल्म क्या काम का, इंसान के लिए इल्म रहबर नहीं है तो फिर क्या चीज का। हमको तो कश्फ चाहिए, कश्फ का शीन पे हमको कश्फ चाहिए, यानी खुद ब खुद सब खुल जाए, हाल जाहिर हो जाए, निगाह मिले और दिल तक आंखें उतर जाएं। और हम तो यूं देखना चाहते हैं, अकल खत्म हुई इश्क के लिए, इल्म को खत्म किया कश्फ के, कि हम कश्फ के आलम में हमको यह पता चला। हालांकि इश्क की गुफ्तगू अकल के मुकाबले में इस दौर में बातिल है, बिल्कुल इसी तरह कश्फ की गुफ्तगू इल्म के मुकाबले में जहालत है। बेटा बीमार हो जाए तो कश्फ से नहीं बतला सकते कि मलेरिया है या टाइफाइड है, समझे। हजार बातें ऐसी हैं कि जहां इल्म सनद है, इल्म सनद है। आपको कानून की जरूरत है, इल्म कानून की, कश्फ से मुकदमे नहीं दे जांचे जाते, आपको मालूम है, यानी कश्फ से फैसला नहीं हो सकता अदालत में। कोई जज यह नहीं कह सकता कि कश्फ के आलम में मैंने देखा कि यह मुजरिम है इसलिए यह सजा, दुनिया मान लेगी इसको। कश्फ के आलम में अदालत ने यह देखा कि यह मुजरिम है तो दुनिया मान लेगी नहीं, कश्फ दलील नहीं है। अरे जाते वाजिब से बढ़ के भी किसी को किसी के जुर्म का इल्म हो सकता है, मगर कयामत के दिन गवाह आएंगे। सूरह यासीन कि हम मोहरें लगाएंगे जबानों पर, हाथों से गवाही लेंगे, पांव से गवाही लेंगे, उनका गवाह साथ आएगा। क्यों? उससे बढ़ के भी किसी और को इल्म है। तो अपने इल्म पे सजा दे सकता है, मेरा इल्म है तुझे ये सजा दी जाती है। शहीद आए, गवाह आए, गवाहियां आए, आजा जवारे गवाही दे। तो आपने देखा कश्फ से आदल का हल नहीं है, कश्फ आदल का बदल नहीं है, कश्फ से फैसला नहीं किया जा सकता। फैसले के माना कश्फ से नेको बद की तमीज नहीं हो सकती। तो आपने अब गौर किया हम कहां गुफ्तगू कर रहे, जब अकल की बातें थी गुफ्तगू इश्क की हुई और इसमें सारी मुस्लिम सियासत आके उलझ गई। तो अकल की बातें ना करो, इश्क ही इश्क, ये भी मुनासिब वो भी मुनासिब, ये भी ठीक वो भी ठीक, वो भी अच्छे ये भी अच्छे, भाई सब अच्छे हैं सबको ले चलो, जाहिर है इश्क ही ठहरा। दरख्त से भी इश्क है, हजर से भी इश्क है, मतर से भी इश्क है, बादशाह से भी इश्क है, रियाया से भी इश्क है, कातिल से भी इश्क है, मकतूल से भी इश्क है। अकल नहीं, अकल को छोड़ा इश्क के लिए, इल्म को छोड़ा कश्फ के लिए। यहां रुक जाते नहीं, अब एक और चीज बाकी रह गई थी और वो चीज थी अमल की मंजिल जिस पे गुफ्तगू हो रही थी। अमल इरादे के ताबे है ना, यानी अब मंजिल थी अमल की, का अमल नहीं जज्ब। अब अमल की जरूरत नहीं, मुताबियात की जरूरत नहीं, जज्ब। भाई वो तो जज्ब के आलम में, भाई वो बरहना खड़े हुए हैं, आप क्या जाने, जज्ब जज्ब नजासतों में है, आपको क्या खबर है। एक कैफियत है जज्ब, सात बरस गुजर गए, सात बरस गुजर गए, तब आपने देखा कहां किस अम्र को किसका बदल बनाया गया। अकल की जगह इश्क ने ली, इल्म की जगह कश्फ ने ली और अमल की जगह जज्ब। अब जज्ब का जब मसाला जब पेश हुआ कि भाई ये मकाम है जज्ब है, तो अब जज्ब है तो अमल की जरूरत नहीं है, अब बंदगी नहीं। भाई क्या बात है, ये जज्ब में क्यों अमल नहीं होता? तो कहा देखो, मैंने दलील दी गई कि देखो
खाने काबा के बाहर जब तक है तो किबला है, काबे की चार दीवारी के अंदर कोई चले जाए तो किबला नहीं है। किबला सही है, चार दीवारी के अंदर पहुंच जाए तो किबला नहीं है, हर सिमत कबला किबला है। मगर इस बहस को क्या ताल्लुक है उस हुक्म अमल से कि जहां सारी इंसानियत को आवाज दी जाए कि अगर तुम सही माना में एक राह पर चलना चाहते हो तो वो राह हम बताएंगे, हम बताएंगे, और वो राह हमारी बतलाई हुई होगी, हमारी पसंद हमारी नापसंद, हम जिस चीज को पसंद करें हम जिस चीज को पसंद ना करें। तो काबे की चार दीवारी के अंदर किबला ना सही मगर खालिक की पसंद और नापसंद भी है कि नहीं, वहां जाके आप नफ्स की मुताबियत करेंगे, गुनाह का इर्तकाब करेंगे, गुफ्तगू तो अमल पे है ना, अमल पे है। ये तो पहले से ही थी, मुगालता था कि अंदरून काबा रस्म क़िबला नीज, ये मौलाना रूम अंदरून काबा रस्म क़िबला नीज, और उस पर इस्तदलाल किया अच्छे अगर गव्वास रहा पाचिपला नीज, दरिया में तीरने वाले के लिए अगर जूता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों मिस्रों को आपने देखा, काबे में किबले की रस्म नहीं है और दरिया में तीरने वाले के लिए जूता लाजिम नहीं है, तो जाहिर है दरिया में तीरने वाले के लिए जूता लाजिम नहीं है, वहां किबला नहीं है, मगर फिर भी तीरने के तो कुछ आदाब है ना, असले अमल पे गुफ्तगू है, असले अमल पे गुफ्तगू है, तीरने का तो कुछ आदाब है ना। बिल्कुल उसी तरह जब अमल पे गुफ्तगू हुई तो कहा ये तो कैफियत है जब, तो हम चाहते हैं कि पहले ये तमीज हो जाए कि अकल क्या है, इश्क क्या है, इल्म क्या है, कश क्या है, अमल क्या है, जज्ब क्या है। सबसे अजीब बात यह है ताकुल की मंजिल पर कि इंसान अपनी जात पे तजर्बा करे कि उसका ताकुल क्या है, किसी ने उसका घर छीन लिया, किसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी ने उसकी जायदाद को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह कह रहा है कि इश्क इजाजत नहीं देता कि उसके खिलाफ गुफ्तगू करूं, यह मेरा इश्क है। अगर मिल्लत मुस्लिमा इस इश्क की पाबंद हो जाए तो न अदलिया की जरूरत है, न निजाम अदल की जरूरत है, न जिंदान की जरूरत है, न महबस की जरूरत है, इसलिए कि हर एक ये चाहेगा कि एक नुमाइश इश्क की हो। और उसी तरह अगर इल्म के मुकाबले में कश्फ है तो फिर ये जितना करोड़ों रुपया इल्म पे सर्फ हो रहा है अब इस सबको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कश्फ एक नजदीक की राह है रियाजत की, रियाजत की, और एक मरतबा गर्दन झुकाई सूरत नजर आई ऐलान कर दिया, इल्म की क्या जरूरत। लेकिन हकीकत यह है कि जिस मकाम पर यह सारी चीजें तखलीक पाती हैं कि यह इश्क है, यह जज्ब है, यह कश्फ है, हमने जायजा जो लिया तो पता चला कि इसको अमदन अकल के इल्म के अमल के मुकाबिल में लाना पड़ा फकत इस वास्ते कि पर्दे डाले जाए शाही के उस इस्तेबाद पर और मुलूकियत के उस जुल्म पर जहां इंसानियत के हुकूक छीने जा रहे थे। मैंने फैसला कुन गुफ्तगू की है, पर्दे डाले जा रहे हैं कि भाई अब पर्दा रहे, पर्दा रहे। क्या आज भी यही अमल किसी अच्छे मुतमद्दिन मुल्क में पेश नजर होता है, खुसूसन मुस्लिम और इस्लामिक कंट्रीज में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक फलसफा है और उसको फलसफे की हद तक रहने दीजिए, जो फलसफा काबिल कबूल नहीं है।
तो हम गुफ्तगू चूंकि अमल पे कर रहे थे इसलिए अमल लाजिम है, लाजिम है, और उस अमल का ताल्लुक चूंकि इरादे से। अगर यह इरादा ताबे है जबर इस्तबदाद के, अगर यह इरादा ताबे है जुल्म के, अगर यह इरादा ताबे है हवसरानियों के, हवसकारियों के, खुद पसंदियों के, तो अमल भी उसी राह पर जाएगा। और अगर यह इरादा ताबे हो गया सारी दुनिया से कट कर उस मुआशरे का कि जिस मुआशरे में शर्त अव्वल तहारत है, तहारत फिक्र, तहारत शऊर, तहारत अक्ल, तहारत कल्ब, तजब तहारत जिस्म, जब तहारत जिस्म। यानी एक अजीब बात है, हम इताअत की मंजिल पर, मुताबियत की मंजिल पर है, जब अमल की मंजिल आती है तो हम बे अख्तियार ना अपने अक्ल पर भरोसा करते हैं ना अपने इल्म पर भरोसा करते हैं। गुफ्तगू अक्ल से शुरू होती है, इल्म से शुरू होती है, मगर जब हम आते हैं मकामे इताअत पर तो हम समझते हैं कि हमको हुक्म देने वाला अपनी अक्ल में इतना कामिल है कि जब हुक्म दे रहा है तो अक्ल के उस कमाल दर्जे पे हुक्म दे रहा है कि अगर हमारी अक्ल पहुंच भी ना सके तो समझो कि आईने अक्ल है। यह गुफ्तगू क्यों छिड़ गई फकत एक लफ्ज से? मैं तहारत पे गुफ्तगू कर रहा था, तहारत पे गुफ्तगू कर रहा था। अक्ल का क्या कहना है कि आप तालाब से नहा के आए, देर तक नहाते रहे, देर तक नहाते रहे, और वहीं तालाब से बाहर किसी गोशे में जा नमाज पढ़ो, आप आए खड़े हो गए, नमाज पढ़ सकते हैं आप? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, वुजू लाजिम। घंटों अगर गुस्ल किया है तो वुजू लाजिम है। अकल तो कहती है अरे पाक होके आया, मसाले को आप समझ रहे कि अगर आपने वो गुस्ल बिला जरूरत किया है, शरा ने जिसके मुतालिक कोई खास हुक्म नहीं दिया, मगर आप नहाते रहे, तफरीह करते रहे, बाहर आए, नमाज का वक्त आया, फिर वुजू किया, फिर वुजू किया, अकल ने यह कहा कि भाई पाक थे ना, मगर इताअत ने बढ़कर कहा कि जिसने हुक्म दिया है उसकी अकल हमारी अकल से ज्यादा कामिल है। आप गुफ्तगू को समझ रहे? यानी वहां वहां अकल कुल ने यह बतलाया कि वुजू फकत इसीलिए नहीं है कि हाथ साफ हो या मुंह साफ हो, वुजू फकत इसीलिए नहीं है कि आप मजमजा करें, इस्तिंशाक करें, नाक को साफ करें, मुंह को साफ करें, नहीं, वुजू इसलिए भी है, इसलिए भी है कि जैसे वुजू की नीयत हो तवज्जो एक तरफ होते चले, तवज्जो एक तरफ होते चले, नहा के निकले थे तवज्जो नहीं थी, वुजू ने मुतवज्जे किया, अब वक्त बंदगी है। तो तकाज़ाए इताअत यह है कि जहां समझ में भी ना आए वहां अकल यह फैसला करे कि यही अकल है। मैं शायद अदा नहीं कर सका, फिर एक मरतबा सोचिए, कुछ मसाइल होंगे जो यकीनन आपके समझ में नहीं आएंगे, यकीनन आपके समझ में नहीं आएंगे, मगर आपके अकल का यह फैसला होना चाहिए कि चूंकि अकल कुल ने हुक्म दिया है इसलिए खिलाफ अकल नहीं है, यही है कि मेरी अकल अभी पहुंच ना सकी, यही कि मेरी अकल अभी उसको पा ना सकी, बस इसके सिवा और कुछ। तो मकाम इताअत वो मकाम सुपुर्दगी है, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिए, इताअत मकाम सुपुर्दगी है कि तेरा हुक्म और मैंने अपने को हवाले कर दिया, मैंने अपने आप को हवाले किया, तो अब फिर वापस आ गए, इश्क से हवाले नहीं किया, इश्क से हवाले नहीं किया। सूरह कसस
ونريد اب یہ ختمی مرتبت کا زمانہ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ہم نے ارادہ کر لیا ارادہ الہی انما امره اذا اراد شيئا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا سبحان اللہ ونريد ان نمن على حوالے نہیں کیا جذب سے حوالے نہیں کیا مالک کا حکم تھا عقل نے فیصلہ کیا کہ اس کی اطاعت لازم ہے اطاعت کر رہا ہوں اطاعت کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں عشق نہیں بندگی کر رہا ہوں جذب نہیں تسبیح پڑھ رہا ہوں کشف نہیں اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو ہوا کیا اب ہوا یہ کہ جہاں تھا معاشرے کا پورا معاشرہ جذب و کشف و عشق کا پورا معاشرہ وہ عمل بگڑ گیا ان صحبتوں میں سارا عمل گیا سارا عمل گیا اب جس سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے کہ صاحب دیکھیے ایک طریقت ہے ایک حقیقت ہے آپ طریقت کی طرف ہم حقیقت کی طرف ہم حقیقت کی طرف اب یہ فیصلہ کون کرے کہ حقیقت کیا ہے شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے لیکن قرآن آیا ہے اس لیے کہ شریعت پہ عمل ہو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون سورہ جاسیہ ہم نے تجھ کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے ہم نے جعلنا کا علی شریعت 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 سے منسوب تو ہے تجھ سے منسوب شریعت ہے مگر حکم ہمارا ہے ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر فتبعها تو اس کی پیروی کر شریعت کی پیروی کر ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون خبردار بے علموں کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا بے علموں کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا یہ بے علموں کی خواہشات نفسانی کی پیروی کیا ہے وہی معاشرہ وہی دوستی وہی ماحول کہیں ماحول بگاڑ نہ دے یہ شریعت ہے یہ شریعت ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے میں پرسوں کل اور پھر اس سلسلے میں آج بھی گفتگو کیے جا رہا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے تربیت بڑی عجیب بات ہے اچھی صحبت بچوں کو کامیاب راہوں پر لانا ہے ان کی صحبتوں کو دیکھو ان کی صحبتوں کو دیکھو یہ بڑا عجیب نسخہ ہے کمزور قوموں میں نہیں طاقتور قوموں کا یہ نسخہ ہے کہ اگر بچوں کو کامیاب بنانا ہے تو دیکھو کہیں صحبت بگڑی ہوئی نہ ہو تو بچوں کے لیے جب صحبت بگڑی ہوئی ملے تو بچے تباہ ہو جائیں تو انہی صحبتوں میں بچے اگر جوان ہو اور انہی صحبتوں میں جوان اگر ضعیف ہو جائیں اور انہی صحبتوں کے ساتھ ساتھ چلیں تو پھر کیا حشر ہوگا ظاہر ہے نا وہ ساری صحبتیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی میں اس سلسلے میں بعض مسلسل آیات کی تلاوت کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں دیکھیے ایک نبی اولو العزم کو تنبیہ ہوئی ایک نبی اولو العزم کو تنبیہ ہوئی اور اس تنبیہ کا ذکر کر رہا ہوں سورہ طہٰ 20واں سورہ ہے قرآن اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ لہ الاسماء الحسنی نیک نام اسی کے لیے ہیں حل اتا کا حدیث و موسیٰ موسیٰ کی باتیں کچھ پہنچیں سورہ طہٰ ذکر موسیٰ کا طہٰ نام ہے ختمی مرتبت کا ایک عجیب بات ہے دیکھیے تور منسوب ہے موسیٰ سے کوہ تور پہ گئے تھے
तो हमारे पास एक सूरा है तूर और एक सूरा है ताहा। ताहा नाम है खातम का, ताहा में जिक्र है मूसा का, तूर में जिक्र है मोहम्मद का। इसको कहते हैं कुव्वत इंतकाल ज़हन, कि तवज्जो को मुंतकिल करना, कि नबी का नाम लिया गुफ्तगू किसी और पैगंबर की ताकि सारी बातें इस कौम को मालूम हो जाए कि गुफ्तगू से मुराद क्या है, मंशा क्या है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ताहा कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि तू मशक्कत में मुब्तला हो। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला का हदीस और मूसा की बातें कुछ पहुंची। इज़रा नारन, जब उन्होंने आग को देखा, फ़क़ाला ले अहलिहिम कुसू, तो अपने अहल से कहा यहीं ठहरो, इन्नी आनस्तो नारा, मैं मानूस हो रहा हूं आग से, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन्नारी हुदा, मुमकिन है मैं थोड़ी सी आग लेकर आऊं तुम्हारे लिए, सर्दी का मौसम है ताकि आग तापो, या इसी आग से मुझे रास्ता मिले और मैं जानूं कि यह कारवान कहीं जा रहा है तो साथ चले। औ अजिदु अलन्नारी हुदा, फलम्मा अताहा, जब आग के करीब पहुंचे, नू दिया, आवाज दी गई, या मूसा इन्नी अना रब्बुक, मूसा हम हैं, हम तुम्हारे रब। फकला नालायक, जूतों को छोड़ो, जूतों को छोड़ो, इन्नका बिलवादिल मुकद्दस है तुआ, यह ताहिर वादी है, ताहिर वादी है, तशाबो की जरूरत नहीं है, हर मुकद्दस मुकाम पर जूते छोड़ना है। इस पे तवील मबाहिस हुए हैं, बाज गैर ममालिक में तवील मबाहिस हुए हैं इस अमर पर। फकला नालैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ व अना अख्तरतुका, मूसा मैंने तुझको इख्तियार किया है, मैंने तुझको नबी बनाया, फस्तमे लिमा युहा, सुनो अब जो वही हो रही है, फस्तमे लिमा युहा, जो कुछ वही की जा रही है गौर से सुनो, कान धर के सुनो। इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, मैं हूं अल्लाह, नहीं है कोई मेरे सिवा, यह मकाम हुवियत है, फाबुदनी मेरी इबादत करो, ऐ नबी उलुल अज़्म, दूर पे आ चुके, आग को देख चुके, यह इश्क नहीं है, जज्ब नहीं है, कश्फ नहीं है, फाबुदनी वाकिम सलाह, नमाज को कायम करो, वाकिम सलात ले जिक्री, अब मेरे जिक्र के साथ नमाज कायम हो। यह इश्क नहीं है कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए, अहकाम है, अहकाम है। अन अख्तर तो का फस्तमे लिमा युहा इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, फअबुदनी वाकिम सलात ले जिक्री, व इन सआत आतियतुन, और हां मूसा कयामत आने वाली है, ले तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, ताकि कयामत के दिन हर इंसान को उसके किए का बदला मिले, यानी उस दिन को यह कह के छूट नहीं सकता कि मैं तो इश्क में था, मैं तो जादू में था, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी, नहीं, जजा है हमारा हुक्म, तुम्हारा अमल जजा, यही मकामे दीन है। और मूसा इन सात आतियतों, कयामत आने वाली है, या तुझसा कुल नफ्सिन बिमा तसा, जो सही किया कर रहा है इंसान, जो सही कोशिशें कर रहा है उसकी जजा मिलेगी। और हां फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिन बिही वत्तबा हवाहु वतरदा, खबरदार खबरदार, कहीं तुझको कोई इस राह से न हटा दे। नबी उलुल अज़्म, फलाओ यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिन बिही, जो इस बात पे ईमान न लाए, कहीं तुझको इस राह से न हटा दे, इसलिए कि वत्तबा हवाहू, वो अपने ख्वाहिश की पैरवी कर रहा है। बुरी सोहबतों से अंबिया को बचाया गया,
یہ گفتگو بہت غور کے قابل ہے کہ موسیٰ جا رہے ہیں طور پہ اور منزل ہے طور کی اور اس منزل پہ ہدایات آ رہے ہیں. نماز پڑھو, عمل کرو, قیامت آنے والی ہے, جزا عمل کے مطابق ہے, اور خبردار کوئی تم کو نہ بھٹکائے اور کوئی اپنے ہوا و حوث کی پیروی کرنے والا تم کو کہیں راستے سے نہ ہٹا دے. نہیں, اور ہاں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ بتلاؤ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ ساری آیتوں کو چھوڑ کر درمیان کی احکام کے مقام محبت پہ جب گفتگو آئی کہ موسیٰ کو پیغمبری ملی اور پوچھا سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, پوچھا سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, مگر اس لیے پوچھا کہ وہ نشانیاں دی جائیں تاکہ ان نشانیوں کو بتلا کر پیغمبر احکام کو منوائے کہ ان نشانیوں کے ساتھ یہ احکام لے کے آ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلیے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, یہ عصایا, یہ میرا عصا ہے, اتوکل علیہا, میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں, احش بہا علی غنمی, میں اپنے بکریوں کے لیے اس سے پتے گراتا ہوں عصا سے, ولی فیہا معارب اخرا, اور عصا میں تو میرے بہت سے کام ہیں. قال فالقہا یا موسیٰ, موسیٰ پھینکو اس کو, فالقہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ, عصا کو پھینکا, دیکھا کہ اژدہا دوڑ رہا ہے. قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی, کا پکڑ لو اس کو, پکڑ لو, ڈرو نہیں, ہم اس کو اس کی سیرت اولیہ پہ لوٹا دیں گے, ہم اس کی سیرت اولیہ پہ لوٹا دیں گے, سیرت پر. خذھا لا تخف, وہ یزمون یدا کا علاجنا تقرج بیضا بغیر سوئن آیت اخرى, اور اپنا ہاتھ بغل میں لے جاؤ پھر نکالو تو یہ سورج کی طرح چمکے گا. یہ دوسرا معجزہ ہے, دو معجزے دے رہے ہیں, عصا کو اژدہا بنا رہے ہیں, ہاتھ کو سورج بنا رہے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى, معجزے لے کر جاؤ ایک ظالم کے پاس, وہ باغی ہو گیا ہے, وہ باقی ہو گئے. یہ نہیں کہ سب میرے بندے ہیں. بحث سنیں, یہ نہیں کہ سب میرے بندے ہیں, سب نیک ہیں, سب سے عشق ہے. فذهب الى فرعون انه طغى, وہ باقی ہے. قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون عقیت بہی عذری وشرکو فی امری کئی نصبح کا کثیرا و نسکر کا کثیرا. پروردگار میرے سینے کو کھول دے, پروردگار میرے امر کو آسان کر, میرے زبان کی گرہ کو کھول دے, میرے لیے ایک وزیر قرار دے. واجعل لی انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں قرار دینے والا ہوں, واجعل لی تو قرار دے میرے لیے, میں نبی اولو العزم ہوں, اختیار نہیں ہے, میں نبی اولو العزم ہوں, مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں چن لوں. واجعل لی وزیرا من اہلی, تو قرار دے میرے لیے ایک وزیر, اور میرا ریکمینڈیشن کیا ہے, جاہلیت تیری ہے, میری سفارش اتنی ہے کہ میرے اہل سے ہو. یہ عجیب سفارش ہے, واجعل لی وزیرا من امتی نہیں ہے. اب یہ نیپوٹیزم ہے, فیوریٹزم ہے, اقربا پروری ہے, عزا نوازی ہے, جو کچھ ہے نبی اولو العزم ہے. واجعل لی وزیرا من اہلی, قرار دے میرے لیے ایک وزیر میرے اہل سے, اہل سے. اب مفسر نے کہا اہل
भाई आपका अहल कौन है, तो फौरन लगत में कहा बीबी। और वहां सरात वजाली वजीर मिन अहली हारून आखी, तो पता चला कि भाई अहल है। अजीब इस्तेदा है, वजाली वजीर मिन अहली हारून आखी, अहल से हो भाई हो, भाई अहल है। हारून आके वजदुद बही अजरी, जब भाई को बनाएगा तो उससे मेरी कमर में कुव्वत आएगी, मेरी कमर में कुव्वत आएगी, मेरे शाने मजबूत होंगे, मेरे बाजू ताकतवर होंगे। वशरकहु फी अमरी, मेरे अमर में उसको शरीक कर दे। फिर इस मंजिल पर मेरी यह कही हुई बात, वो यह कि नबी को यह हक नहीं है कि किसी को अपनी मर्जी से शरीक कर ले। वशरीक फी अमरी, तू तू शरीक कर उसको, तू इजाजत दे कि वो शरीक हो जाए मेरे अमर, हम तेरी तस्बीह करेंगे, हम तेरी तस्बीह करेंगे, हम तेरा तस्करा करेंगे। आवाज आई, लक़द उतीता सुअलका या मूसा, मूसा मंजूर। नबी उलुल अज़्म की दुआ, लक़द उतीता सुअलका या मूसा, मूसा तुम्हारी दरखास्त मंजूर कर ली जाती है। और हाँ मूसा याद है, वो लकद मनन्ना का, और हमने तुम पे एहसान किया था, मर्रता नुखरा एक और मर्तबा भी तुम पे हमने एहसान किया था, और वो याद है तुमको। इज़ा ओहैना इला उम्मिका, जब हमने तुम्हारी वालिदा गिरामी की तरफ वही की थी। एहसान देखिए कहां से बात याद दिलाई है, गुफ्तगू तूर पे हो रही है। नबुव्वत अता हुई, नबुव्वत के साथ नबुव्वत पाने वाले ने विलायत को मांगा। विलायत अता हुई तो इस एहसान के साथ कि जरा याद करो अपनी विलादत को, जबकि हमने एक और मरतबा एहसान किया था। और आईना इला उम्मे, जबकि हमने वही की थी। अन अक्ज़िफी ही फिल ताबूत, कि इस बच्चे को संदूक में बंद कर। वक्ज़िफी ही फिल यम, में संदूक पर डाल दे दरिया में। युल्के हिल यम इला साहिल, दरिया साहिल की तरफ फेंक देगा संदूक को। अल्फाज देख रहे हैं हम, वक्ज़िफी ही फिल ताबूत वक्ज़िफी ही फिल यम में फल युल्के हिल यम इला साहिल, इसको संदूक में बंद कर, संदूक को दरिया में डाल दे, दरिया साहिल की तरफ संदूक को फेंक देगा। याकूज़ अदुबुन ली व अदुबुन लहू, इस बच्चे को उठा लेगा वो जो उसका भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है। याकूज़ अदुबुन ली व अदुबुन लहू, यहां तक तो आप मुझसे गुफ्तगु सुन चुके हैं कभी, अब सुनिए मेरा एहसान क्या है। वो अलकैतु अलैका महब्बतन मिन्नी, याद करो कि जब हमने तुमको अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। नबी उलुल अज़्म, बच्चा संदूक में है। वो अलकैतु, और जब मैंने डाल दिया है अलैका तुझ पर महब्बतन मिन्नी, अपने मोहब्बत के असर को, ज़ाते वाजिब, ज़ाते वाजिब और उसकी मोहब्बत। वो अलकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, तुम गहवारे में थे, झूले में थे, संदूक में थे, दरिया की मौजों में थे, साहिल में थे, दुश्मन के घर में आए, मगर हमारी मोहब्बत का मरकज बने हुए थे। क्यों? ले तुसना आला है नहीं, ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवान चढ़ो। आपने देखा, जब नबी को परवान चढ़ाया जाता है तो इस तरह मुआशरे से बचाया जाता है। मोहब्बत का मरकज बनाया, ले तुसना आला है नहीं, ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवान चढ़ो। गलत सोहबत नहीं, दिन रात हम देखें उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ क्या बातें करते हैं। नबी उलुल अज़्म होना है, साहेब शरीयत होना है, इस तरह कैसे छोड़ देंगे।
आपने सुना, यही वजह है, यही वजह है। क्या है हबीब, सूरह ताहा में हमने मूसा के तस्करे को यूं पेश किया था ताकि तुम्हारा बचपन भी याद आ जाए, तुम्हारा बचपन भी याद आ जाए। मक्के ही में बचपन, मक्के ही में बचपन, कहीं और नहीं। परदेश नहीं लाया नबी को, यहां तो दरिया की मौजों से गुजार के साहिल पर उस संदूक को पार लगा के एक औरत को यह तसव्वुर दिया गया कि मालूम नहीं कहां से आ रहा है। यहां विलादत मक्के ही में और सब मक्के वाले, मगर इस तरह से पाला, इस दायरे में पाला, इस एहतियात से पाला कि जवान होके कोई ये न कहे कि हमको बचपन से दोस्ती थी। आप ये गुफ्तगु समझे, यानी किसी ने यह दावा किया, यह कहा हम पहले ही ईमान लाए, मगर ये नहीं कहा मक्के में रहने के बावजूद के साथ खेलते थे, ये नहीं कहा कि साथ बढ़े हुए साथ चले, ये नहीं कहा कि कारवान के साथ हम थे, बकरियां हम चलाते थे, नहीं। मुआशरे को महदूद कर दिया, नबी उलूल आज़म की परवरिश थी, नबी उलूल आज़म परवान चढ़ रहा था ताकि उन नफ्स परस्तों की ख्वाहिशों से फिक्र नबी को बचाया जाए। बहुत गौर से सुनिए, फिक्र नबी को बचाया जाए कि नबुव्वत से पहले भी उसके लिए मरकज तवज्जो फकत ज़ाते बारी हो। उसका रुख हयात वही रहे, और जब नबी हो तो जब भी यही कहे वजह तो वजी अली फतर समावा, मेरी तवज्जो हाथ का मरकज तो वही है जो जमीन व आसमान का खालिक है, जो जमीन व आसमान का खालिक है। तो मैं समझता हूं कि इस मंजिल पर एक मतलब फिर उस आयत की तरफ वापिस जाए, सूरह ताहा की, वालकैतु अलैका मोहब्बत मिन्नी, हमने तुझको अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया, तुझ पे अपनी मोहब्बत डाल दी, तुझको अपनी मोहब्बत से सरफराज किया। यह नबी उलूल अज़्म का मकाम है कि मोहब्बत अल्लाह करता है नबी से, मोहब्बत अल्लाह करता है नबी से, मगर मिल्लत मुस्लिमा को नाश करना चाहिए कि मकाम खातम क्या है। मकाम खातम यह है कि जो मोहम्मद की पैरवी करे खुदा उससे मोहब्बत करता है। ये मकाम खातम है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, जज्ब नहीं, इत्तबा करो, अमल की मंजिल पर आओ, इल्म की मंजिल पर आओ, अक्ल की मंजिल पर आओ। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, खुदा तुमको दोस्त रखेगा, खुदा तुमको दोस्त रखेगा अगर तुम अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो। ये अजीब जुमले अदा हुए तो पता चला कि इत्तबाए रसूल है जो कुछ है। भाई बहुत गौर से सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सलावात, आप मुझे माफ करेंगे, मैं आपकी इजाजत से शायद 10 मिनट और ज्यादा लूं, इजाजत है आपकी? तक रहमत का बाइस नहीं होना चाहता, इसलिए ये मसाइल चूंकि अहम है, मसाइल अहम है, इसलिए बाज मकामात को तशना नहीं छोड़ना चाहिए, उसी वक्त गुफ्तगू हो जाए, उसी वक्त गुफ्तगू हो जाए। जिंदगी दीन है, दीन इस्लाम है, इस्लाम नाम है इत्तबाए रसूल का, इस्लाम नाम है इत्तबाए रसूल का, किसी और मुआशरे का नहीं, रसूल की पैरवी। अब रसूल की पैरवी में अगर रसूल कुरान को लाए और कुरान के माना को अमल करके बतलाए,
तो फिर वो आयत मुतशाबे न रहे वो कम हो जाए। इत्तेबाए रसूल का मायना यह पैरवी का, अगर रसूल की पैरवी हुई तो फिर रसूल समझा रहा है, अमल करके समझा रहा है, अमल करके समझा रहा है। मानो कि नसाराए नजरान के बच्चे आए, मानो कि नसाराए नजरान की औरतें आने वाली हैं, मानो कि नसाराए नजरान के अनफुज बुलाए गए, आए नहीं बुलाए गए, कलाओ तो क्या मुसलमान मुफस्सिर अपनी तरफ से आयत को मुतशाबेह बनाने के लिए यह लिख देंगे कि चूंकि नसरानियों के बच्चे और नसरानियों की औरतें और नसरानियों के नफूस बुलाए गए थे, इस वास्ते अतफाल मुस्लिमीन, निसाए मुस्लिमीन और नफूस मुस्लिमीन को बुलाया गया। देखिए इश्तबाह कहां पैदा हुआ, जमा के सेगे थे ना, जमा के सेले थे, इश्तबाह की कोशिश की और ये कहा कि चूंकि उधर से कहा गया अबनाकुम निसाकुम अनफुसकुम, नसारा के बच्चे, नसारा की औरतें, नसारा के नफूस, तो इधर से मुसलमान आए, मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की औरतें, मुसलमानों के नफूस। अब आयत के जो माना ले अमल को देखा जाएगा रसूल के। आप क्यों बहस करें, अमल क्या था रसूल। और अजीजा निगरानी गुफ्तगू इसी जुमले पे खत्म है और यही जुमला फिर दोहरा रहा हूं रजविया कॉलोनी के इमाम बारगाह से लेकर। अगर यह तय कर लिया गया कि मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की औरत, मुसलमानों के नफूस, तो इतना तवील जमाना मक्के का गुजर गया इस्लाम में, इतना तवील जमाना गुजर गया मदीने का इस्लाम में, यह 9 हिजरी का वाकया है, एक साल बाकी है रसूल की रहलत को, और ऐसे में मुसलमानों के बच्चे कौन, नबी के नवासे, मुसलमानों की औरतें कौन, नबी की बेटी, मुसलमानों के नफूस कौन, नबी का नफ। यानी अब इस्लाम, इस्लाम रह गया आकर, अब नाम हो गया, 2 बच्चे, 1 बीवी, 1 मर्द, इस्लाम। बहरहाल ये वो मंजिल है कि जहां इत्तेबा में कुरान समझ में आता है, इत्तेबा में पता चलता है कि मुतशाबे मुहकम कैसे हुआ। शुभा था, इस्तेहकाम पैदा हुआ, रसूल का अमल बतला रहा, रसूल का अमल बतला रहा। तो यह वो घराना है कि जिसके बच्चे, जिसकी औरतें, जिसके नफूस जाने रसूल है, नफ्स रसूल है, रूह रसूल है, बिजातुर रसूल है, तो इत्तबा की मंजिल हो तो मोहब्बत हो। हाय, इत्तबा की मंजिल हो तो मोहब्बत हो, इत्तबा नहीं है तो फिर मोहब्बत कैसी, मोहब्बत कैसी। अब लेंगे बदला बदर का, अब लेंगे बदला खंदक का, अब लेंगे बदला खैबर का। क्यों, इत्तबा नहीं है, इत्तबा ही नहीं। तो ऐसी मंजिल पर वो वक्त भी आया। मैं सिलसिले से जरा सा हट रहा हूं मगर इस्तेदलाल है, मैं क्या करूं। आबिद बीमार जब मदीना पहुंचे तो फरजंद रसूल ने खुदवा दिया, खुदबे का पहला जुमला यह था हम्दो सना इलाही के बाद कि अहले मदीना हमारे जद ने हमारी मवद्दत को वाजिब किया था उम्मत पर। अहले मदीना अगर हमारे जद ये कह के मर जाते कि मेरी और औलाद जहां मिले कत्ल करना, तो जो जुल्म अब हुआ उससे बढ़कर ना होता।
समझा सका आपको, मैं समझा सका। आबिद बीमार का खुतबा है ये मदीने में। वादे करबला, वादे करबला, मदीना, मदीना हमेशा याद रहेगा। वादे करबला, क्या गुजरी मदीने पर, क्या गुजरी मदीने पर। आबिद बीमार ने खुतबा दिया। मालूमात के लिए बहुत सी बातें महफूज करते जाइए, जिम्मेदार मैं हूं। कागर रसूल बजाय अजले रिसालत के और बजाय मवद्दत को वाजिब करने के हमारा कत्ल वाजिब कर देते तो वो जुल्म न होता जो अब हो। सवारी इमाम की आगे बढ़ी। मोहम्मद इब्ने इब्राहिम इब्ने तलहा।